हेलो फ्रेंड्स, राम राम सा, जय श्री कृष्णा आप सभी को। और कैसे हो आप सब? तो अभी बज रहे हैं 10 सुबह के और मैंने सारा काम जो है ख़त्म कर लिया और अभी यहाँ मोनिका को देखने के लिए आई थी। और आप सभी के लिए खुशखबरी, मोनिका के छोटा सा बेबी हो चुका है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, दिखाती हूँ आप सबको। और उसको मतलब आज मोनिका का तीसरा दिन हो चुका है, उसके बाबू हो गया है। और हमें आशा थी मतलब काऊ की, लेकिन इसके जो केड़ा होता है ना, जो बछड़ा होता है उसको केड़ा जो होता है वो हो गया है। और हमने सोचा अगर इसके गाय, अगर छोटी सी गाय काऊ हो जाएगी तो उसको पालेंगे, फिर से उसकी सेवा करेंगे, अच्छे से रखेंगे उसको। लेकिन नहीं, वो हमारी आशा नहीं, हमें आशा थी लेकिन नहीं हुआ। उसके बच्चा हुआ है, बस केड़ा हुआ है उसके। तो अभी वो बेटा है, वो भी बहुत ही प्यारा है। तो अभी जो है मोनिका बेटी है, और एक बार आप सभी से मिलवा देती हूँ कि मोनिका कैसी है और उसका बच्चा कैसा है। बहुत ही प्यारा है सच्ची। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको मोनिका। अरे मोनिका ये बेटी है। अभी आराम से यहाँ पे मोनिका बेटी है और यहाँ पे अभी छाँव है। तो मम्मी वगैरह जो है बकरियों को तो ले गई है, और आज इसके पास क्या है, इसका बेबी है, तो इस वजह से ये इसको अकेला महसूस नहीं होगा। बेबी को दिखाती हूँ मैं आपको, वो पीछे की तरफ बैठा है, बहुत ही प्यारा है। बाबू ये बेटा है क्या तू? बाबू जी ये बाबू बेटा है भाई। हेलो बोलो। हेलो। हाँ देखो इसने ना डाला है, आप सभी से राम राम किया है। तो बहुत प्यारा बच्चा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। और ये बस अभी बेटा ऐसे ही खुला है, खुला हुआ है बेटा है। तो अभी इसको क्या है कि अभी बांधना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन कल शाम को बांधा था हमने इसको। क्या हुआ था कि ऐसे इनकी आदत जो है वो हो जाती है, अभी मैं बताती हूँ आपको। पहले से आप इसको देखिए कितना प्यारा सा बच्चा है। बाबू मोनिका जो है, मोनिका बोल रही है मैं अभी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। है मोनिका ऐसे बोल देना, हेलो बोलो। हेलो। तो ये है मोनिका, आप सभी को पता ही है मोनिका, हमारी मोनिका। और इसका बच्चा कैसा लगा आप सबको कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए अभी खड़ा हो गया है। ये भी बिल्कुल श्याणी राधा है, राधा नहीं सॉरी कन्हैया है। कन्हैया है कन्नू, तेरा नाम कन्ना रख दे, काना काना रख दे। अभी इसका कुछ भी नाम नहीं रखा है और अब देखते हैं इसका क्या नाम, काना ही रख देंगे अगर जच गया तो। कि इसको अकेलापन जो है महसूस नहीं होगा, इसका बच्चा आ चुका है, वरना थोड़ा बहुत तो महसूस कर रही थी। इसने चारा भी खाना कम कर दिया था जब सोनिका गई थी यहाँ से, तो इस वजह से। लेकिन अब जो है ये बेटर फील कर रही है और आराम से बैठी है। मुझे भी जो खांसी थी वो बिल्कुल पूरी तरह से अब ठीक हो चुकी है। मैंने पूरी एक वो दवाई आती है ना, क्या दवाई का नाम मुझे नहीं पता, वो पी थी मैंने, तो सारी उससे मेरे काफ़ी फ़र्क हुआ है खांसी के अंदर। और खांसी जो थी जो लंबे समय तक चली थी, बाकी जो बुखार वगैरह थे ना वो तो जल्दी ख़त्म हो गए थे। मोनू, मोनिका से मैं सच्ची बताऊँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं मोनिका से। आप तो सोचते होंगे कि ये वैसे ही उल्लू बनाती है, लेकिन मुझे जो है मोनिका बहुत अच्छी लगती है। मोनिका देखो अभी इससे मतलब बच्चे वगैरह कोई भी अगर इसके ऊपर भी आके बैठ के खेले ना, तो ये नो टेंशन ओके आराम से बैठी रहती है, उल्टा लेट जाती है। इसको बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे वगैरह इसके साथ खेलते हैं तो। और इतनी शैतानी नहीं है, ये शैतान नहीं है, इसलिए मुझे मोनिका बहुत ज़्यादा पसंद है। माँ बेटे का प्यार
काना उड़ गया क्या तू, माँ के पास आ गया। ये देखिए सेम टू सेम माँ बेटे, सेम और सेम। काना एक कानूड़ा है, मोनिका कानूड़ा रख दे तेरा नाम, कानू रख दे। तो बस मोनिका से मिलवा दिया आप सबको। कैसा लगी हमारी मोनिका, तो अच्छी लगती है आपको साथ में उसका बच्चा, कैसा लगा? और आप सब कैसे हो फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए। मैंने जो भिंडी प्याज की सब्जी बनाई वो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छी बनती है, बनी मतलब लगती है टेस्टी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और कैसी लगी वो आपकी वीडियो, मैंने उसका दाइंड नहीं किया था क्योंकि मैं किसी काम में बिजी ज़्यादा हो गई थी, तो एकदम से भूल गई थी इसलिए। अरे आराम से पी, मेरे हाथों का देखिए, मेरे हाथ पीने लग गए। तो अभी जो है बारिश का मौसम हो रहा है फ्रेंड्स, अच्छा वाला जो है मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ठीक है, और अभी क्या है फ्रेंड्स कि मैं जो हूँ रेसिपी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल सकते इस टाइम, कहीं जाना आना नहीं हो रहा है, वरना अगर घर से बाहर निकले तो और भी अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलते हैं आपको, लेकिन नहीं अभी रेसिपी बना पा रही हूँ। और मैं जो रेसिपी बनाती हूँ वो सबसे हटकर और सबसे ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ, सबसे ज़्यादा तो नहीं मतलब मेरे हिसाब से तो मैं सबसे ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। और एक बार आप भी ज़रूर ट्राई किया करो मैं जो रेसिपीज़ बनाती हूँ फ्रेंड्स, और कैसी लगती है आपको। और मेरे जो रेसिपीज़ के वीडियो होते हैं या गांव के जो ब्लॉग्स होते हैं, उनमें दोनों में से आपको ज़्यादा कौन से अच्छे लगते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताया करो, ताकि मैं आपके दिए हुए आदेश अनुसार बनाऊं और भी अच्छा मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो इस वजह से जो है अभी मैं ज़्यादा रेसिपी बना रही हूँ घर पर बैठे बैठे, बस यही काम है, बाहर नहीं जाना होता है। और बस बाहर तो कहाँ जाते हैं हम, घर से खेत में, खेत से घर में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आज जो है बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और मिलेंगे अच्छे से अगले नेक्स्ट वीडियो में। और बाय बाय फ्रेंड्स, आपका ध्यान रखना।